सो आज काफ़ी दिनों के बाद चैनल पे मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सिंपली अपने म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग जो मेरा प्लान है मार्केट में आगे लेके उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। मैंने अभी रिसेंटली एक नया पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड में, और आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग कि मैंने इसके पीछे का क्या लॉजिक लगाया हुआ। सो बिफोर वी प्रोसीड अहेड एक सिंपल सा डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेविस्टर्स, किसी भी तरह से बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं है। तो अगर आप लोग मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा कि मैं स्टॉक्स में ज़्यादातर ट्रेड या इन्वेस्ट करता हूँ, दैट इज़ ऑनेस्टली ट्रू। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना पोर्टफोलियो का कुछ एलोकेशन मैं पैसिवली इन्वेस्ट करूँ, यानी कि नॉट डायरेक्टली थ्रू इंडेक्स फंड, बट पैसिवली कहने का सेंस मतलब मुझे उसके पीछे दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ और सिर्फ ये कि मुझे फंड का सिलेक्शन करना है। आफ्टर दैट आई विल बी पुटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी ओवर देयर ऑल्सो। सो पहला इसके पीछे का सिंपल मेरा इसमें स्ट्रेटजी क्या होने वाला कि मैं यहाँ पे अपने जो मेरे जो रेगुलर स्विंग ट्रेड्स वगैरह होते हैं उनसे जो प्रॉफिट होने वाला है उस अमाउंट को मैं यहाँ पे पार्क करूंगा, और नॉट सिर्फ पार्क, लंबे समय के लिए। मैं जैसे कि पहले मैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव स्मॉल कैप मिड कैप में भी पोजिशन बनाता था स्टॉक्स में, बट अब मैं खुद प्लानिंग कर रहा हूँ कि अब आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट को परचेज करूँगा। और अभी मैंने रिसेंटली 1-2 महीने से पहले से स्टार्ट किया हुआ है, और आपके साथ अभी सभी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड का क्या है। अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट डेफिनेटली मैं आपके साथ अगर अपडेट शेयर करूँगा तो आने वाले टाइम में आपको ये पोर्टफोलियो मैं दिखाऊंगा बड़ा करते हुए, ठीक है। तो अभी अगर मार्केट की सिचुएशन को एक बार डिस्कस करें तो मार्केट में अभी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डिप टाइप की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। अभी 8.5%, 8% के आसपास का गिरावट है ऑल टाइम हाई से, और अभी ग्लोबल सिचुएशन देख के लग नहीं रहा है कि जैसे कि फिर कंपनी का रिजल्ट आ रहा है बहुत सारी कंपनी का, तो वो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहे। सो जो काफ़ी ज़्यादा रनअप भी दिया है मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है। सो अभी पहला सपोर्ट पे तो मार्केट ओवर कर रहा है, अभी क्लोजिंग तो इसके नीचे नहीं दिया है, बट लेट्स सी इसे रिस्पेक्ट करता है या नहीं, यानी कि 24,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहाँ पे एक सपोर्ट भी बनता हुआ नजर आ रहा है। सो अगर इसे तोड़ता है तो आई थिंक ये फिर कुछ सपोर्ट लेवल्स हैं। सो मार्केट में मुझे लगता है कि यहाँ से अभी थोड़ा सा करेक्शन चालू रह सकता है, या तो टाइम करेक्शन मिल जाए और थोड़ा सा प्राइस करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। सो मुझे ये सही टाइम लगा कि म्यूचुअल फंड्स में कुछ यूनिट्स परचेज किया जाए। सो चलो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मेरा इसमें क्या पोर्टफोलियो कैसा है। मैं इसके लिए 2 प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, एक हमारा ग्रो का है और एक जीरोधा का है। तो जीरोधा का जो कॉइन है उसमें क्या होता है कि आप सॉरी उसमें क्या होता है कि आपके जो होल्डिंग्स रहते हैं वो डीमेट फॉर्म में रहते हैं, और जो यहाँ पर रहता है ये आपका नॉन डीमेट फॉर्म में रहता है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो रहता है, एमफी आई थिंक व्हाट आई एम सेइंग, जो आपका एएमसी का वेबसाइट होता है उसे एसओए बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उस फॉर्म में रहता है। सो जो जीरोधा वाला होता है उससे क्या कर सकते हो कि आप इन फ्यूचर इफ़ यू नीड मार्जिन तो आप इसे प्लेज करके मार्जिन भी ले सकते हो काफ़ी इजीली। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा ग्रो का पोर्टफोलियो, कुछ खास बड़ा नहीं है अभी। मैंने इसमें रिसेंटली ही मैंने आपको बताया कि मैंने ऐड करना स्टार्ट किया, तो एक हमारा क्वांट मिड कैप डायरेक्ट, और इसमें मेरा अभी 40,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। और ये एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इसे मैंने ₹1,000 इसमें अभी डाले हुए हैं, बट आई विल भी डेफिनेटली एडिंग मोर अमाउंट टू दिस। और इसमें SIP के फॉर्म में आप कर सकते हो, दैट्स वे मैंने टोकन अमाउंट के तौर पे ये डाला हुआ था थोड़े दिन पहले। तो ये पहला तो क्वांट मिड कैप है जिसमें कि 40,000 के आसपास है, और एक हमारा यहाँ पे देख लो जो मेरा कॉइन में है, ओवरऑल 83K का पोर्टफोलियो, कुछ खास बड़ा नहीं है, बट डेफिनेटली आई विल बी एडिंग मोर अमाउंट ओवर दिस ओवर हियर इन कमिंग टाइम्स। और पहले मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया करता था, बट पास्ट 2-3 सालों से मैंने कम्प्लीटली म्यूचुअल फंड को एग्जिट कर दिया था डायरेक्टली स्टॉक्स, और मैं प्रॉफिट को भी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर रहा था। बट नाउ आई विल बी डेफिनेटली इन्वेस्टिंग मेजर पोर्शन ऑफ माई प्रॉफिट इन म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि थोड़ा सा अभी मैं खैर काफ़ी पर्सनल चीज़ें हैं वो चीज़ें बाद में डिस्कस करूँ। तो देखो पहला यहाँ पे क्या है, एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इसमें मैंने रिसेंट में ही बाइंग किया हुआ है 25,000 का। मैंने एक यूनिट जस्ट सेल किया हुआ था, थोड़ा सा मेरा मुझे बैंक चेक करना था कि पैसे सही अकाउंट में रिडीम हो रहे हैं या नहीं उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने रिसेंटली अभी इसमें बाइंग किया हुआ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 25K का, और ये मुझे जो आपका SBI का इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़, ये मैंने थोड़े दिन पहले लिया हुआ था बट मैंने कम्प्लीटली इसे एग्जिट किया हुआ है। पराग पारिक भी नहीं है, क्वांट मोमेंटम भी नहीं है, और एक UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है मेरे पास, जिसके मेरे पास ₹17,000 की इन्वेस्टमेंट है। और मैं इसमें आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक अगर मुझे सही लगा तो मैं इसे भी 32 या 30-40 हज़ार के आसपास इसे भी पहुँचा दूंगा, और इसे भी इसे मैं 50K तक लेके जाऊंगा अगर मुझे डिप देखने को मिलता है। सो एज ऑफ नाउ आई विल बी डूइंग सम लमसम्स इन म्यूचुअल फंड्स, बट एज ऑफ नाउ मेरी कोई SIP नहीं चल रही है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मैं
निकॉन इंडिया स्मॉल कैप में एक SIP भी स्टार्ट करूँ आने वाले टाइम में। सो अभी मेरे पास यहाँ पे मैंने आपके साथ कौन कौन से फंड डिस्कस किए, एक निकॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट मिड कैप जिसमें मेरे अभी 40,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, और एक मोतीलाल मिड कैप, और फिर एक हमारा ये एक इंडेक्स फंड है। सो देखो मुझे क्या करना है, मुझे फंड्स में ओवरलैपिंग नहीं करना है, अब हर कंपनी का मैं फंड लेते चलूँ वो भी नहीं करना है। बट हाँ डेफिनेटली मैंने देखा था थोड़े दिन पहले कि जो क्वांट मिड कैप है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, इन दोनों का लाइक स्टॉक ओवरलैप ज़्यादा नहीं करता है, दैट्स वाई मैंने इन दोनों को चूज़ किया एज ऑफ नाउ। और ये एक स्मॉल कैप सेक्टर का फंड हो गया, आफ्टर दैट हमारे ये एक इंडेक्स फंड हो गया। तो अभी मेरे पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड में 4 फंड्स हैं और जिसमें मैंने बाइंग कहो स्टार्ट कर दी है किसी तरह से, और मेरा पहला टारगेट रहने वाला है कि ओवरऑल सभी मिला के मैं 2,000-3,000 यूनिट जमा कर लूँ अपने पास, और फिर इनकमिंग टाइम्स मेरा टारगेट होगा म्यूचुअल फंड्स में 10,000 यूनिट, जो भी मैं लाइक आने वाले टाइम में डेफिनेटली पूरा कर लूँगा मुझे पता है। सो अभी मैं आपके साथ लाइक विद इन कमिंग वीक्स 1-2 हफ्ते के बाद भी अगर मुझे सही अपॉर्चुनिटी लगा, मैंने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाई किसी भी तरह से, तो मैं आपके साथ डेफिनेटली वीडियो बना के शेयर करूंगा। और जो भी है मेरा ट्रांसपेरेंसी से मुझे करना है, ठीक है, क्योंकि लाइक मुझे पता है कि कुछ ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आते, बट मैं अपने आप को एक कहो कि मोनोलॉग क्रिएट करके रख लूँगा कि मैं देखो यूट्यूब से मुझे अभी पैसे नहीं आते, तो ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब को ही मेरा ब्रेड एंड बटर इससे आ रहा है, वैसा नहीं है। और मैं यहाँ पे बिल्कुल ही रॉ टॉक्स करता हूँ, आपको पसंद आए नहीं आए आप चैनल छोड़ के जा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ मैं अपने आप को देखूँ आज से 5 साल बाद 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखूँ, तो मुझे समझ में आया कि आज से पहले मैं कैसे सोचता था और क्या मेरी आइडियोलॉजी रहती थी, बस उस टाइप से मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। अगर आपको इस जर्नी का हिस्सा बनना है तो आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को डेफिनेटली मिलेगा। सो यही है, अभी मेरे पास मोमेंटम 30 इंडेक्स है, मैं इसे भी ऐड करूँगा, और फिर आपका मोतीलाल मिड कैप है, इसमें मैंने रिसेंट में बाइंग किया हुआ है, और क्वांट मिड कैप है, इसमें भी मैं थोड़ा अमाउंट और ऐड करूँगा। और जो है मेरा, अगर मुझे लगा तो ये फंड मुझे काफ़ी सही लग रहा है, मैंने इसके एलोकेशन वगैरह देखे थे, एक तरह से आप फोकस्ड फंड कह सकते हो, तो होगा तो इसके भी मैं कुछ यूनिट डेफिनेटली परचेज करूँगा आने वाले टाइम में। सो आपके साथ वीडियो बना के मैं डेफिनेटली डाल दूंगा। सो यही था मेरा म्यूचुअल फंड्स को लेकर प्लान। सिंपली मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, जो मेरे स्विंग ट्रेड वगैरह का प्रॉफिट होता है उसे मैं यहाँ पे अब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूँगा। ऑल दो मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं प्रॉफिट के पैसे से ही, लाइक हाई ग्रोथ स्टॉक्स में काफ़ी कह सकते हो कि रिस्की एक तरह से है, बट ठीक है, मैं उसमें और ज़्यादा एलोकेशन नहीं डालना चाह रहा हूँ। अब थोड़ा सा मुझे सेफर इन्वेस्टमेंट की तरफ भी बढ़ना होगा, क्योंकि मार्केट अभी आने वाले टाइम में थोड़ा सा लाइक जिस तरह अभी तक रहा उस तरह नहीं रह सकता है, बहुत ही सेलेक्टिव रहने वाला है। सो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पहले तो प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन करना पड़े, आफ्टर दैट उन प्रॉफिट को मैं अगर किसी स्टॉक में पार्क कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे देखना पड़े, ट्रैक करना पड़े काफ़ी क्लोजली, क्योंकि प्रॉफिट का अमाउंट डालता हूँ तो डेफिनेटली वो मेरे इनिशियल जो मेरा कैपिटल है उससे काफ़ी कम होता है। अगर सपोज एग्जांपल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, किसी ट्रेड में मैंने 5 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट किया जस्ट फॉर ट्रेड पर्पस, और सपोज मुझे वहाँ से 4% का रिटर्न बना यानी कि 20,000, और उस 20,000 को मुझे कहीं इन्वेस्ट करने किसी स्टॉक में, और अगर उसी स्टॉक में भी मुझे लाइक ट्रैक करना पड़े हमेशा, तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से आपको खिचड़ी बन जाता है कि आप सब तरफ कितना देख लोगे, अकेला बंदा कितना देख लेगा, तो वही बात है। और मैं उस टाइप का इन्वेस्टर नहीं हूँ कि स्टॉक लेके सो जाओ जो होगा देखा जाएगा, वैसे इन्वेस्टर नहीं हूँ तो ना ही वैसा ट्रेडर हूँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग रहता है, दैट्स वाई। तो यही मेरा आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया, और इनकमिंग टाइम्स मैं इसे आपके सामने अगर मैं इसमें कोई भी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स ऐड करता हूँ सो आई विल बी डेफिनेटली शेयरिंग विथ यू ऑल। और एज ऑफ नाउ अभी 82-83,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट मेरा म्यूचुअल फंड में है, बाकी देखते हैं इसे जैसे इंक्रीज करेंगे वो भी आपके साथ टाइमली शेयर करेंगे। टिल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो अच्छा लगाओ ट्रांसपेरेंसी के साथ काफ़ी रॉ वीडियोस आपके लिए शूट करता हूँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।